रामचंद्र जी ही ये पूछ रहे हैं हमको कि मैं आर्य के दांतों से चिरा जाना सहन कर सकता हूँ, परंतु संसार के व्यवहार से उत्पन्न आशा और विषयों द्वारा प्राप्त दुख को मैं सहन नहीं कर पा रहा। इसलिए हे साधो, आयास रहित, उपाधि रहित, भ्रम रहित वह कौन सी सत्य स्थिति है जिसमें शोक ना हो। इसलिए हे साधो, आयास रहित, उपाधि रहित, भ्रम रहित वह कौन सी सत्य स्थिति है जिसमें शोक ना हो। क्या उचित श्रेय है, क्या उचित प्राप्ति योग्य फल है, क्या उचित श्रेय है, क्या उचित प्राप्ति योग्य फल है, इस असमंजस संसार में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, कौन से पवित्र मंत्र से यह संसार रूपी विषुचिका जो कि अनेक कष्ट दे रही है शांत हो सकती है। विषुचिका यानी विष चक्र, हाँ कह सकते हैं, जैसे विष चक्र कह सकती है। आनंद रूपी वृक्ष की मंजरी के सदृश और पूर्ण चंद्रमा के समान भरपूर आंतरिक शांति को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, कौन सा ऐसा उपाय है, कौन सा ऐसा मार्ग है, कौन सा ऐसा विचार है, कौन सा ऐसा आश्चर्य है, कौन सा ऐसा आश्रय है जिसके द्वारा यह जीवन रूपी जंगल दुखदायी ना हो। संसार के प्रवाह में पड़कर व्यवहार करता हुआ भी आदमी कमल के पत्ते के ऊपर पड़े हुए जल के समान कैसे बंधन को प्राप्त ना हो। इतना सुंदर है कि बारिश हो रही है, कमल के पत्ते पर जल पड़ रहा है, लेकिन कमल के पत्ते पर उसका कोई असर नहीं जल रहा। संसार के प्रवाह में पड़कर व्यवहार करता हुआ भी आदमी कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल के समान कैसे बंधन को प्राप्त ना हो, वह साधन बताओ। वह गंध संसार, वह दग्ध संसार सॉरी यानी जला हुआ संसार, जहां पर कि निरंतर दुख ही दुख नजर आता है, सर्वथा निरस होने पर भी किस प्रकार मूर्खता को ग्रहण किए बिना सुस्वादु बनाया जा सकता है अपने जीवन को, सुस्वादु यानी टेस्टी बनाया जा सकता है, रसप्रद बनाया जा सकता है। अर्थात कैसे मनुष्य ज्ञानी होता हुआ भी संसार में स्वाद ले सके, दैट इज द क्वेश्चन। बहुत सुंदर। इस संसार रूपी वन के रास्तों पर उस पुरुष की नाई, नाई की जगह आप भांति सुनिएगा, पुरुष की भांति, इस संसार रूपी वन के रास्तों पर उस पुरुष की नाई कैसे व्यवहार करें जिनसे जिसने कि संसार की गति को अच्छी तरह जान लिया हो और जिसने इस लोक और परलोक दोनों को, दोनों के भोगों की वासनाओं का नाश कर दिया हो। इस लोक और परलोक दोनों के भोगों की वासनाओं का नाश किया, संसार रूप समुद्र में रहने वाले जंतु के किस प्रकार राग द्वेष आदि महारोग भोगों के समूह और समृद्धि न दुख पहुंचाए। तो देखो कैसे सुंदर है, संसार रूप समुद्र में रहने वाले जंतु को किस प्रकार राग और द्वेष जैसे महारोग कह रहे हैं, राग को भी महारोग कह रहे हैं, द्वेष को भी महारोग कह रहे हैं,
भोगों के समूह, भोगों के समूह मानी कुछ देखने की इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, कुछ सेक्स की इच्छा, ये सब भोगों के समूह हैं। और समृद्धि भी दुख न पहुंचाए, ये कैसे जिया जाए, ये प्रश्न है। मुझे वह उत्तम युक्ति बतलाओ जिससे कि मुझे संसार में दुख न हो, चाहे वह युक्ति संसार में, वह चाहे वह युक्ति संसार में व्यवहार करते हुए बने या संसार का व्यवहार त्याग कर बने। Many of us want to drop everything। रामचंद्र जी के मुख से जीवन की दुर्दशा का हाल सुनकर वशिष्ठ जी ने समझ लिया कि रामचंद्र जी आत्मज्ञान के सर्वोत्तम अधिकारी हैं। इसलिए उन्होंने रामचंद्र जी को उस आध्यात्मिक विद्या का उपदेश देना आरंभ किया जो उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मुख से जगत के कल्याण के लिए सुनी थी। दुख का कारण संसार का राग है। संसार का राग बहुत ही दुखदायी है। यह सर्प की भांति डसता है, तलवार की भांति काटता है, भाले की भांति बींधता है, रस्सी की भांति लपेट लेता है, आग की भांति जलाता है। जो इसमें शंका रहित होकर गिरते हैं शंका रहित होकर, उनको पत्थर की भांति दबा देता है। बुद्धि को हर लेता है, स्थिरता को नष्ट कर देता है, मोह के अंधेरे की अंधेरे कुएं में डाल देता है, तृष्णा से मनुष्य को जर्जर कर देता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये पालू, वो करूं, तृष्णा से जर्जर कर देता है। ऐसा कोई दुख नहीं है जो संसार का राग रखने वाले संसारी को सहन ना करना पड़े। दूसरा सब टॉपिक, अज्ञानी को ही दुख होता है। यह संसार रूपी प्रवाह अज्ञानी की ही मूर्खता से चल रहा है। इसमें ये मूर्खता जो शब्द है, मूर्ख का यानी गाली की तरह नहीं बोला, ये मूर्ख यानी क्या, वो बेभान कोई व्यक्ति हो, मूर्ख जिसको कहते हैं जिसको भान नहीं कि क्या क्या कर रहा है, जैसे फ्लैबरगास्टेड कोई हो, अवेयरनेस ना हो तो कैसा, वो जो बेभानता है उसको मूर्खता कहा, यानी कोई गाली ऐसा नहीं है। तो यह संसार रूपी प्रवाह अज्ञानी की ही मूर्खता से चल रहा है। अज्ञानी को ही घोर सुख दुख होते हैं। तीसरा, ज्ञान से ही दुख की निवृत्ति होती है। संसार रूपी विष का वृक्ष जो कि सब आपत्तियों का देने वाला है, अज्ञानी को ही दुख देता है। इसलिए अज्ञान को हमेशा यत्न करके नष्ट करना चाहिए, प्रयत्न करके। जिस प्रकार वर्षा से भीगे हुए वन को अग्नि की ज्वालाएं नहीं जला सकती, जिस प्रकार वर्षा से भीगे हुए वन को अग्नि की ज्वालाएं नहीं जला सकती, उसी प्रकार मानसिक दुख भी ज्ञानी को, जिसने जो कुछ जानने योग्य है वो जान लिया है और युक्त दृष्टि प्राप्त कर ली है, उनको वेदना नहीं दे सकती। फैंटास्टिक। ज्ञान युक्ति रूपी नौका द्वारा, वाह, ज्ञान युक्ति रूपी नौका द्वारा बुद्धिमान लोग
दुस्तर संसार समुद्र से निमेश मात्र में ही पार हो जाते हैं। निमेश माने क्षण मात्र, निमेश को एक कहते जैसे एक पलक झपका के वापिस उठाई, ये निमेश हो। दैट मच ऑफ टाइम। निर्वाण नाम वाला परमानंद, दिस इज ब्यूटीफुल, निर्वाण नाम वाला परमानंद जिसको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का पुनर्जन्म और मरण नहीं होता, वैसा परमानंद ज्ञान से ही प्राप्त होता है। संसार के पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान है, एकमात्र उपाय। तप, दान, तीर्थ आदि उपाय नहीं है। तब दान तीर्थ उपाय नहीं है। चौथा, आत्मज्ञान से ही परम शांति प्राप्त होती है। चाहे त्रिभुवन का राज्य मिल जाए, चाहे मेष या जल के भीतर कोई प्रवेश कर ले, सॉरी मेघ या जल के भीतर कोई प्रवेश कर ले, आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना किसी को भी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो अपना कल्याण चाहता हो उसको चाहिए कि आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील हो, क्योंकि सब दुखों का नाश आत्मानुभव से ही होता है। यदि परम आत्मा का ज्ञान हो जाए तो सारे दुख का प्रवाह इस प्रकार नष्ट हो जाएगा जिस प्रकार विष का प्रभाव खत्म होते ही विषुचि का रोग शांत हो जाता है। ये विषुचि का रोग का नाम, कोई बात नहीं आए समझ में तो पूछ। पांचवा, ब्रह्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान का उद्देश्य। वशिष्ठ जी ने कहा, इस ज्ञान जो कि सब दुखों का क्षय करने वाला है और बुद्धि को परम सांत्वना देने वाला है। इतना हिंदी समझ में आ रहा है? यह ज्ञान जो कि सब दुखों का क्षय करने वाला है और बुद्धि को परम सांत्वना देने वाला है, मुझे कल्प के पूर्व में परम उपदेशक ब्रह्मा जी ने दिया था। जो ज्ञान सृष्टि के आदि में लोक कल्याण के निमित्त मुझे ब्रह्मा जी ने दिया था, वही मैं अब हे रामचंद्र तुझको देता हूं। This is fantastic.